मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग नाइट एट द म्यूजियम। ये कहानी है एक ऐसे म्यूजियम की जहाँ पर एक गोल्डन टेबलेट की शक्तियों से म्यूजियम में रखे सारे पुतले जिंदा हो जाते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत में 1938 में कुछ लोग खजाने की खोज में इजिप्ट जाते हैं। यहाँ पर तेज तूफान आने वाला होता है। इन लोगों के साथ एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसका नाम सीजे होता है। सीजे के पिता अपने बच्चे को तूफान से बचाने के लिए उससे बोलते हैं कि तुम जल्दी से कार में जाओ। तब अपने पिता की बात मानकर सीजे कार की तरफ जाने लगता है। तभी उसका पैर गड्ढे में चला जाता है और वो नीचे चला जाता है। उसे बचाने के लिए सभी लोग नीचे आ जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये वही खजाना है जिसकी तलाश में ये लोग इजिप्ट आए हैं। यहाँ पर कुछ मम्मीज और एक गोल्डन टेबलेट रखी होती है। ये लोग टेबलेट को उठाने लगते हैं। तभी यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति इनसे बोलता है कि इसे यहाँ से मत निकालो, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये लोग उसकी कोई बात नहीं मानते और गोल्डन टेबलेट को यहाँ से ले जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है जहाँ पर लैरी म्यूजियम में शो की तैयारी कर रहा होता है। दरअसल आज रात इस म्यूजियम में दूर दूर से लोग आने वाले होते हैं। ये वही म्यूजियम होता है जहाँ पर रात को सारे पुतले जिंदा हो जाते हैं। यहाँ के पुतले जिंदा होकर लैरी का साथ देते हैं। टेरी जो कि पुतला होता है वो लैरी से बोलता है कि हमने अपने प्रोग्राम में एक आदमानव को ऐड किया है, तुम चाहो तो उससे मिल लो। लैरी जब उस आदमानव से मिलता है तब पता चलता है कि ये हुबहू लैरी की तरह दिखता है। इसका नाम ला होता है। वो लैरी को देखते ही उसे अपना पिता समझ लेता है। तभी यहाँ पर फेरो आ जाता है। वो लैरी से बोलता है कि इस गोल्डन टेबलेट में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन लैरी जल्दी में होने के कारण बस यही कहता है कि तुम शो पर ध्यान दो, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। कुछ ही समय में शो स्टार्ट हो जाता है। शो बहुत अच्छा चल रहा होता है, दर्शक भी तालियां बजा रहे होते हैं। तभी गोल्डन टेबलेट पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर जितने भी पुतले होते हैं वे बेकाबू हो जाते हैं। सभी दर्शक परेशान हो जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। टेरी लैरी पर बंदूक तान लेता है। तब इस म्यूजियम का डायरेक्टर लैरी को बहुत डांटता है और शो को बंद करवा देता है। सुबह लैरी लाइब्रेरी जाता है इस उम्मीद में ताकि वहाँ से गोल्डन टेबलेट के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। वहाँ उसे पता चलता है कि इस म्यूजियम का जो गार्ड था वो वही बच्चा है जो 1938 में अपने पिता के साथ इजिप्ट में गया था। उस गार्ड की जानकारी लेकर लैरी उससे मिलने चला जाता है। तब सीजे उससे बोलता है कि जब मेरे पिता ने ये गोल्डन टेबलेट लिया था तब वहाँ के कुछ लोगों ने हमें समझाया था कि अगर इस गोल्डन टेबलेट की शक्तियाँ खत्म हो गयी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे बस इतना ही पता है, अगर तुम्हें इस गोल्डन टेबलेट के बारे में और ज्यादा जानना है तो तुम्हें इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा जानकारियाँ मिल सकती हैं। इसके बाद लैरी डायरेक्टर के पास जाता है। वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो इस टेबलेट की वजह से हुई है। उसी गड़बड़ का पता लगाने के लिए मुझे इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना होगा। तब डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब लैरी बोलता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, इस बारे में इंग्लैंड के म्यूजियम वालों को अभी तक पता नहीं हुआ, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तब डायरेक्टर लैरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और लैरी गोल्डन टेबलेट के साथ इंग्लैंड पहुंच जाता है। इसके बाद लैरी म्यूजियम के गार्ड को चकमा देकर म्यूजियम के अंदर चला जाता है। वहाँ उसके साथ उसके साथी भी आ जाते हैं। यहाँ पर लैरी को पता चलता है कि गोल्डन टेबलेट का असर यहाँ के म्यूजियम पर भी हुआ है, यहाँ पर रखे सारे पुतले जिंदा हो जाते हैं। तभी इनके सामने एक डायनासोर का कंकाल आ जाता है। लैरी उसे अपने बस में करने की कोशिश करता है, लेकिन लैरी की कोशिश का डायनासोर पर कोई असर नहीं होता और वो बेकाबू होकर लैरी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर इतिहास का एक योद्धा आ जाता है और वो डायनासोर को मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद इनका सामना कई सरों वाले सांप से होता है, लेकिन लैरी उसे बड़ी चालाकी से बेहोश कर देता है। तभी गोल्डन टेबलेट में जंग और भी ज्यादा बढ़ने लगती है जिसके कारण टेरी का हाथ मोम का बन जाता है। अब इन सब की याददाश्त भी कम होने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार ये लोग फेरो के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं जो इन्हें गोल्डन टेबलेट का रहस्य बताने वाले होते हैं। फेरो के माता पिता फेरो को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे उससे कई सालों बाद मिल रहे थे। इसके बाद फेरो के पिता बताते हैं कि इस गोल्डन टेबलेट को चांद से पावर मिलती है, अगर इसे चांद के सामने नहीं ले जाया गया तो इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो इतिहास का योद्धा होता है वो फेरो के पिता से वो टेबलेट छीन लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसका ही यंत्र है और इसकी मदद से वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ सकता है। वो टेबलेट को छीन कर यहाँ से भाग जाता है। लैरी और उसके साथी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी लैरी के सामने वो गार्ड आ जाती है जिसे चकमा देकर लैरी अंदर गया था। उस गार्ड के साथ लैरी का साथी ला भी होता है। वो गार्ड लैरी और ला को रूम में बंद कर देती है, लेकिन लैरी ला की मदद से दरवाजा तोड़ देता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं।
इधर वो योद्धा एक प्रोग्राम में पहुंच जाता है जहां पर उसे उसकी प्रेमिका मिल जाती है। योद्धा उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं, हम तो यहां पर नाटक कर रहे हैं। तभी यहां पर लैरी आ जाता है। लैरी को देखते ही योद्धा यहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक छत पर पहुंच जाता है। यहां पर भी लैरी आ जाता है और उसके साथी भी आ जाते हैं। तभी उस गोल्डन टेबलेट पर पूरी तरह से जंग लग जाती है जिसके कारण लैरी के सभी साथी नीचे गिर जाते हैं। इसका असर उस योद्धा पर भी होता है जिसके कारण उसकी नाक नीचे की तरफ लटक जाती है। तब लैरी बोलता है कि तुम जिस यंत्र को ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है और ना ही तुम असली हो। तुम भी इन सभी की तरह एक पुतले हो। तुम सभी को इस गोल्डन टेबलेट की मदद से पावर मिलती है, इसलिए तुम इस टेबलेट को मुझे दे दो। योद्धा उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और टेबलेट को उसे दे देता है। इसके बाद लैरी उस टेबलेट को सीधा करके चांद की तरफ कर देता है। चांद की रोशनी से टेबलेट को दोबारा पावर मिल जाती है और फिर से उसका कलर गोल्डन हो जाता है। गोल्डन टेबलेट के ठीक होते ही लैरी के सभी साथी दोबारा से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग फेरो के माता पिता के पास जाते हैं और गोल्डन टेबलेट को उन्हें सौंप देते हैं। इसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेबलेट और फेरो को यही इंग्लैंड के म्यूजियम में रहने देते हैं। तब लैरी बोलता है कि अगर ये टेबलेट यहाँ पर रही तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, क्योंकि ये टेबलेट जिस म्यूजियम में रहती है सिर्फ वहीं के पुतले जिंदा रहते हैं। तब उसके साथी बोलते हैं कि फेरो अपने माता पिता से कई सालों बाद मिल रहा है। अब हम उसे उसके माता पिता से अलग नहीं करना चाहते, हम फेरो के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद लैरी टेबलेट और फेरो को उसके माता पिता के पास छोड़कर अपने सभी साथियों के साथ अपने म्यूजियम में आ जाता है। रात को लैरी सभी साथियों से एक एक करके मिलता है, क्योंकि सुबह की पहली किरण के साथ ही ये सभी लोग वापस पुतले बन जाएंगे। टेरी लैरी से आखिरी बार बोलता है कि हमेशा मुस्कराते रहो। इसके बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग पुतले बन जाते हैं। लैरी भी यहाँ से चला जाता है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। चूंकि लैरी को म्यूजियम की जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए अब वो एक टीचर की जॉब करता है। कुछ दिन बाद इस म्यूजियम के डायरेक्टर के पास इंग्लैंड के म्यूजियम की गार्ड आती है। उसके हाथ में वही गोल्डन टेबलेट होती है। वो डायरेक्टर से बोलती है कि इस टेबलेट में बहुत पावर है, ये रात को पुतलों को जिंदा कर देती है। डायरेक्टर उस टेबलेट को ले लेता है। रात को हम देखते हैं कि इस म्यूजियम के सभी पुतले दोबारा जिंदा हो चुके हैं। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लैरी इन सभी को बाहर से खड़ा होकर देख रहा था। उसके साथियों के दोबारा जिंदा होने पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।